अगर आप भी जियो सिनेमा चलाते हो और आपको कुछ इस तरीके से बार बार एरर आते हैं, कभी 400 कभी 419 कि भाई वी आर हैविंग ट्रबल, ये कंटेंट नहीं चल सकता फलाना ढिमका, बहुत सारे आप अलग अलग प्रकार के एरर आ सकते हैं, 505 वगैरह आ जाते हैं और आप कंटेंट नहीं देख पा रहे हो, तो कैसे इसको रिजॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा हर एक स्टेप। देखिए ये जियो सिनेमा का एप्लीकेशन कभी कभी ऐसी परेशानी देता है, जब आप कुछ नहीं कर सकते, कंटेंट देखना है तो फिर आप फिर बस लगे रहते हैं कि यार अपने आप ठीक हो जाए। करना क्या होता है, आप एक चीज कर सकते हो, सिंपली चले जाना सेटिंग्स में या फिर अपने जियो सिनेमा एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके रखना और ऐप इन्फो में इसके चले जाना, एक तरीका ये हो जाएगा। या फिर आप चले जाना अपने सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे की तरफ चले जाना और ऐप्स करके सर्च कर ला, ऊपर की तरफ ही अगर आपके इसमें सर्च बार है फोन में तो ऐप्स सर्च कर लेना और यहाँ पर मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आप टच कर देना मैनेज ऐप्स का ऑप्शन। और इस पर जाने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से आया था ऐप्स, मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको सिंपली जियो सिनेमा सर्च करना है। एक तरीका यह है पहुंचने का, क्या बताया मैंने आपको, या तो आप सेटिंग्स के थ्रू आ जाओ या फिर एप्लीकेशन पर टच करके रखो और ऐप इन्फो में चले जाओ। जब आप इस ऑप्शन पे चले जाते हो कि भाई जियो सिनेमा दिख रहा है, स्टोरेज डेटा यूजेज बैटरी दिख रही है, कितनी परसेंट यूज कर रहा है वगैरह वगैरह, तो आपको सिंपली क्लियर डेटा का बटन दिखाई देगा। क्लियर डेटा करना, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, क्लियर ऑल डेटा और क्लियर कैश। पहली चीज आप करेंगे क्लियर कैश, क्लियर कैश से ज्यादातर समय ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप जाएंगे जियो सिनेमा पर और कोई भी कॉन्टेंट जो भी आप देखने की कोशिश कर रहे थे वो चलाकर देखेंगे। ये देखिए, अगर मैं चलाकर देखूं, इनका एरर अभी मुझे लग रहा है खत्म हो जाएगा, तो आप देख सकते हो एरर खत्म हो गया, अभी मैं कंटेंट देख सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं हुआ है आपके साथ, हो सकता है नहीं भी हो, तो आप क्या करना, अब वापस ऐप इन्फो में जाना, क्लियर डेटा करना और इस बार क्लियर ऑल डेटा करना। डोंट वरी, आपका डेटा कहीं भी नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आपने कुछ डाउनलोड करके रखा है एप्लीकेशन के अंदर तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। ओके कर दो, सिंपली वापस जाओ जियो सिनेमा पर और लॉग इन कर लो। एक बार वापस लॉग इन करने के लिए बोल सकता है, चांसेस है, देखो नहीं बोला मुझे लॉग इन करने के लिए, क्लियर डेटा मैंने आपके सामने किया था और अब मैं कोई कंटेंट चलाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर अभी भी ये देखो रजिस्टर करने के लिए बोला, लॉग इन करना पड़ेगा, तो लॉग इन कर लेते हैं हम यहां पर। देखो अभी हम लॉग इन कर चुके हैं, अब जो भी हम चलाना चाहें वो आराम से चलने वाला है। अब एक और चीज होती है, वैसे क्लियर डेटा करना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फोर स्टॉप भी कर सकते थे या फिर अनस्टॉल भी कर सकते थे। दोस्तों अनस्टॉल करना और क्लियर डेटा करना लगभग सिमिलर सी चीज है, बस ऐप वर्जन सेम होता है। अनस्टॉल अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि जो ऐप आपने डाउनलोड करी थी तब से ही वो क्रैक है, तब से ही वो खराब है, तो आप इसको अनस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लो स्टोर से और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपना एरर हटा सकते हो अपने कोई भी कॉन्टेंट नहीं चलने का। अगर इसके अलावा आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।